आजकल हम देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी से नए नए मॉडल्स का हम उपयोग करते जा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हम देखें पर्यावरण को भी हम प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सिखा रहे हैं। हिंदी में कई सारे मॉडल्स डीएलएम हम यूज कर रहे हैं, अंग्रेजी के लिए भी काफी सारे डीएलएम यूज कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे स्कूल में भी काफी तरीके के मॉडल्स जो है यूज करके उपयोग में ला करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसकी एक गतिविधि, एक झलक हम आपके हमारे यहाँ जोड़ना और घटाना जो है मॉडल के माध्यम से काफ़ी सारे TLM हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम काउंटिंग करने के लिए, गिनने के लिए भी काफ़ी तरीके से हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कंचे का यूज़ कराते हैं बच्चों को, स्टिक का यूज़ कराते हैं, जैसे हमारे पास स्ट्रॉ है तो अगर हम काउंटिंग कराना चाहें तो स्ट्रॉ के माध्यम से भी करा सकते हैं। जैसे पहली कक्षा के जो हमारे बच्चे हैं रोहित, यहाँ से 20 पाइप निकाल के बताओ बेटा। चलो 20 स्ट्रॉ निकालो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19। मेरा नाम बबली कोराम है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक शाला मालगुड़ा है। स्कूल में गणित खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक लोग खड़े हैं और एक लोग की जोड़ी नहीं बन रही है, इसके लिए ये पहला नंबर विषम संख्या है और इनकी जोड़ी बन रही है इसलिए दूसरा नंबर सम संख्या है।
वहाँ पे तीन लोग खड़े हैं और एक तिजोरी बन रही है, दूसरे की नहीं बन रही, इसलिए तीसरा नंबर और दोनों की जोड़ी बन रही है इसलिए चार नंबर सम संख्या है और दो की जोड़ी बन रही है एक की नहीं बन रही है इसलिए भी सम संख्या है। जैसे यहाँ पे छह लोग खड़े हैं और तीनों की जोड़ी बन रही है इसलिए सम संख्या है। जैसे यहाँ पे सात लोग खड़े हैं और तीन छन की जोड़ी बन रही है और एक की नहीं बन रही है, नहीं बन रही है ये भी सम संख्या है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, महिला नमस्ते, मेरा नाम संबती कश्यप है, मैं कक्षा पांचवी पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक शाला मावली गुड़ा है। हमारे स्कूल में गुड़ा को अलग करके इस तरीके से चार का गुड़ा चार ही करते हैं तो 16 आता है, इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे चार लोगों की पहली लाइन, चार लोगों की दूसरी लाइन, चार लोगों की तीसरी लाइन, चार लोगों की यानी हम जोड़ते हैं तो 16 मिलता है। आइए हम देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह।